CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थीं। जिन हथनियों के साथ दूध मुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दतैल और बड़ी हथनियां बच्चों की रक्षा करती हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं। ১৯৮৮ के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बंटकर बाराकमारा तिनाधिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वो मां का दूध चूंघता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियां, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वो अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वो बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंघाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े।
बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बाराकमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए, बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी मां सूंड में घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही, जिससे घाव पर मक्खियां ना बैठें। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूंक सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेरकर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही, वे चिंगाड़ते रोते और बिलखते रहे। रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख रामेश बेदी, कलाकार नीरज शर्मा, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।